देखिए देख सकते हैं साधु बाबा जा रहे हैं, निर्वस्त्र होकर के जा रहे हैं और बाबा जी अपने पूरे शरीर पर भभूत लगाकर अब स्नान करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, देखिए बाबा जी अपने कार्य में व्यस्त हैं। अखाड़े के साधु संत अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं निर्वस्त्र हैं, जो भी चीज होती है उनकी, जो उनको श्रृंगार किया जा रहा है ताकि उनको स्नान किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया, कुंभ में एकदम अलग ही जो नज़ारा है, एकदम अलग ही है। आप ये देखिए बैंड बाजे बजाए जा रहे थे अभी। ये देख रहे हैं सारे नागा साधु अपनी तैयारी में लग रहे हैं। देख रहे हैं ये रथ निकलने शुरू हो गए हैं। यह है कोई पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी गौशाला। ये अंदर देखिए तैयारी हो चल रही है, अब पुलिस फोर्सेज इनकी सिक्योरिटी में लगी हुई है। ये जाट अब पूरी तैयारी कर रहे हैं साधु संत अपने स्नान के लिए। ये जो नागा साधु हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब भभूत लगा करके उनकी तैयारी की जा रही है गंगा स्नान के लिए। आज सोमवार का स्नान खास माना जाता है, और यही नहीं इसमें आज अमावस्या भी है, तो ये इसमें समझ जाए कि बहुत ही बड़ा दिन माना बन जाता है इस तरीके से। तो देखिए ये नागा साधु कितने खुश हैं, कितने खुश नज़र आ रहे हैं, इनके लिए ये महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण पल है ये। Thank you.
उनकी उन लोगों के लिए स्नान की तैयारी के लिए ये रथ सजाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो नागा साधु हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब भभूत लगा करके उनकी तैयारी की जा रही है गंगा स्नान के लिए। आज सोमवार का स्नान खास माना जाता है। और यही नहीं, इसमें आज अमावस्या भी है, तो ये इसमें समझ जाए कि बहुत ही बड़ा दिन माना बन जाता है इस तरीके से। तो देखिए ये नागा साधु कितने खुश हैं, कितने खुश नज़र आ रहे हैं। इनके लिए ये महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण पल है ये। ये देख रहे हैं पूरे रथों की तैयारी हो रही है। जो भी साधु संत हर की पौड़ी के उनके स्नान का समय हो रहा है। ये आम जनता के लिए अभी तो बंद कर दिया गया है। ये शाम मतलब पूरे दिन केवल साधु संतों का स्नान होगा। अब देखते हैं कि मैं वहाँ पहुँचने में कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ, क्योंकि वहाँ से वहाँ पर अलाउ नहीं है जाना। तो ये देखिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं होटल्स हैं। कितने खूबसूरत ये रथों को सजाया जा रहा है। ये महामंडलेश्वर हैं कोई साध्वी निरंजन ज्योति गिरिजी महाराज। तो जी मैं ये हरिद्वार के हर की पौड़ी के आसपास में हूँ। लैपटॉप चलाने वाले बाबा कौन से वाले? ये सब बैठे हुए हैं, जो ये बड़े बड़े IPS और IAS ऑफिसर, ये सब त्याग के फिर उनका इस्तीफा दे के फिर बाबा हो गए, जब उन्हें ज्ञान हो गया सब। ऐसे सही है ना, पर्सनल लगता है कि जी। अरे
जॉब।